तो अभी बंद है। मारा ये करो। हाँ ये करो। पापा। और यहाँ पे स्वच्छता पे विशेष ध्यान दिया जाता है। हर जगह जगह पे डस्टबिन रखा गया है नगर पालिका की तरफ से, हमारे गांव के जो मंदिर प्रबंधक उनके तरफ से और यहाँ के जो अध्यक्ष हैं उनके तरफ से। विशेष तौर पे यहाँ माता जी के दरबार में और स्वच्छता के लिए बहुत विशेष ध्यान दिया जा रहा है, गली गली में, गाँव गाँव में, और ये नहीं यहाँ पे पूरे जौनपुर शहर में भी नगर पालिका द्वारा विशेष स्वच्छता के लिए अप्लाई किया गया है। विनय कुमार त्रिपाठी हैं, इस देव दीपावली के युवा कार्य समिति के अध्यक्ष। देव दीपावली पे इस बार खास क्या हो रहा है माता के तरफ? इस बार देव दीपावली पे खास हो रहा है, मंदिर चौराहे पे आप गेट देख रहे हैं, बड़ा सा बना हुआ है। हम लोग सजावट वहीं से इस बार शुरू करवा रहे हैं, पिछले साल तो नहीं हुआ था, लेकिन इस बार सजावट झालर की वहीं से शुरू होगी। उसके बाद 10 कदम आप आगे आएंगे तो यहाँ के डी हैं, बड़ागढ़ डी बाबा के नाम से लोग जानते हैं, तो वहाँ भी इस बार खास भव्य सजावट हो रही है। उसके बाद वहाँ से आगे बढ़ेंगे तो पूरा झालर लाइट का जो सजावट है वो भव्य सजावट सीधे मंदिर के गेट तक आएगा, और मंदिर के गेट से सीधे सजावट आ जाएगा माँ के द्वार तक। और देव दीपावली के खास अवसर पर माँ का मंगला आरती 4:30 बजे होता है, और एक आरती दोपहर में 2:30 बजे होती है, और रात्रि आरती 9:30 बजे होती है। जो कुंड है, सरोवर है, इसमें कितने हज़ार दीयों से आप इसका? इसमें तकरीबन 51,000 दीपों से इसकी भव्य सजावट होती है, और लाइट का डेकोरेशन बहुत भव्यतापूर्वक इसको लगवाया जाता है। लाइट की सजावट बहुत अच्छी होती है, और दीपक अपने घर से लोग 11-11 दीपक ले के यहाँ आते हैं, उसी दीपक को सजवाया जाता है यहाँ। कोई प्रोग्राम भी खास इस पे होगा, कौन मुख्य अतिथि होंगे इसके बाद? इस पे मुख्य अतिथि जिला अधिकारी हैं अरविंद मलप्पा भंगारी जी, और विशेष अतिथि के रूप में श्री दिनेश पाल सिंह जी होंगे। कैसा लगता है नज़ारा जब 51,000 दीप हैं, पूरा सजावट करके? मानिए जिसको कहा जाता है कि उस दिन यही महसूस होता है कि धरती पर स्वर्ग उतर गया है। भगवान भी आते हैं दर्शन? भगवान भी आते हैं, ऐसा माना जाता है कि हाँ भी भगवान, ये देव दीपावली देवों की ही होती है, पूरे भगवान की ही ये देव दीपावली होती है। देव दीपावली के खास पर्व चौकिया धाम स्थित कुंड में 51,000 दीपों से सजाया जाएगा। सुबह ही माँ की मंगला आरती की जाएगी और रंग बिरंगे फूलों से माँ का धाम सजाया जाएगा। इस कुंड को 51,000 दीपों से सजाया जाएगा। गाँव के हर घर से 11 दीप जाएंगे सजाने के लिए, जो भव्य नज़ारा नजर आएगा। यहाँ पे एक प्रोग्राम भी आयोजन किया गया है जिसके मुख्य अतिथि जौनपुर के DM रहेंगे। कहा जाता है कि देव दीपावली के इस दीप प्रज्वलन पे देवता भी माँ के धाम पर आते हैं देखने के लिए। ETV भारत जौनपुर।